मेरा नाम है ज्योति मिस। मैं आज आपको हिंदी की पोयम सिखाने वाली हूँ। उसका नाम है नानी जी का गांव। उसके लेखक है डॉक्टर उदयराज उपाध्याय। नानी जी का गांव कैसा होता है? आपने बहुत सारे छुट्टी उस गांव में बिताई, तो ऐसे ही तुम्हारे जैसे कुछ बच्चे इस पोयम में हैं। तो इस पोयम में नानी जी का गांव कैसे होता है, इस हमने पोयम में सीखने वाले। नानी जी का गांव, ये कविता हम पहले सुनाते हैं। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में, अमराई की सघन छाँव में बैठ मंजे से खेले हम। पके आम खाए जी भर कर, खिला टहनिया पेड़ों की हम। आया खूब मजा है हमको नानी जी के गांव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती। अद्भुत कथा कहानी मोह खूब प्यार से हमें सुनाती। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। देखो, आपको नानी जी का गांव याद आया होगा इस कविता से। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस कविता में, तो इन्हें भी कैसे लाड़ प्यार करती है इनकी नानी जी, तो इस पोयम में हम सीखेंगे। देखो, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गांव में। देखो, ऐसी ही छुट्टी हम भी बहुत कितने दिन गांव में नानी जी के पास रहने जाते हैं, आपको इसे याद आया होगा। तो उधर क्या क्या हम मस्ती करते हैं, क्या क्या खेलते हैं, हमारे उधर से कौन से मित्र हैं, ऐसे सब हमें इस पोयम से याद आता है। अमराई की सघन छाँव में, अमराई मतलब जो आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो इसे अमराई कहते हैं। अमराई की सघन छाँव में बैठ मजे से खेले हम, तो उस पेड़ के नीचे हम सब बच्चे खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए हमें नानी जी का गांव बहुत पसंद है। पके आम खाए जी भर कर, खिला टहनिया पेड़ों की हम। उस दिन हम नानी जी के गांव में बहुत सारे आम खाए। यस, तो उसी पेड़ के नीचे हम बहुत मस्ती किए, बहुत खेले, मित्रों के साथ खेले, तो इसके ये नानी जी का गांव इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। तो क्यों मज़ा आता है आपको नानी जी के गांव में? क्योंकि तब आपको पढ़ाई होती है क्या? नहीं, तब क्या होती है, छुट्टी रहती है। तो बहुत अच्छी छुट्टी हम नानी जी के गांव को बिताते हैं। तब क्या क्या होता है, अमराई के जब सघन छाँव में हम बहुत अच्छे खेलते और हमें आम खाने को भी मिलता है नानी जी के गांव में। देखो, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती। नानी जी तो आपको पता ही है कि जो आपको चाहिए वो सब हमें कौन देते हैं, तो नानी जी देती है। इसलिए हमें नानी जी बहुत प्यार करती है, लाड़ करती है, अच्छे से जो सुबह को खाना देती है, पकवान देती है, बहुत सारी मिठाई देती है। इससे हमें समझ में आता है कि नानी जी हमें क्या करती है, बहुत प्यार करती है। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। देखो, आपको आपके पापा मम्मी ये तो बहुत सारे कथा सुनाते हैं, लेकिन आपकी नानी जी की कथा तो बहुत अलग रहती है, आपको बहुत पसंद होती है, यस ना? तो ये कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत मोहक लगती है, इसीलिए हम अच्छे से बहुत प्यार से सुनते हैं। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गांव में। जब हम छुट्टी बिताने को जाते हैं गांव को, तब हमारा मन बहुत खुश होता है, तो उस गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो इस गांव से क्या क्या रहता है, गांव को छुट्टी को आने वाले सब बच्चे खेलते हैं,
सब मजे से इधर उधर भटकते हैं, इसलिए हमें नानी जी का गाँव बहुत अच्छा लगता है। इसमें समझ में आता है कि नानी जी का गाँव कैसा है।